नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रतियोगिता दर्पण की जो हिंदी मासिका आती है, उस हिंदी मासिका का सितंबर माह का जो सार संग्रह है वह इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, UPSC की तैयारी कर रहे हो, RPSC की तैयारी कर रहे हो, RES, IAS या अन्य भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए प्रतियोगिता दर्पण एक ऐसी मासिका आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तथा एग्जाम में इनसे बहुत ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं, या यूं कहिए कि इससे बाहर कुछ नहीं आता है। तो दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण यदि आप देखते हैं तो आपको अन्य कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और अन्य कहीं से आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस वीडियो में हम सितंबर माह का संपूर्ण सार संग्रह चर्चा करेंगे, तो आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहे तथा वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में इसे शेयर कर दें जिससे सभी तक ये जानकारी पहुंच पाए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कलाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस प्रकार के लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का सा बना हुआ है, उस घंटे के निशान को भी आप जरूर दबा दें जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच पाए। तो अन्य जो प्रतियोगिता दर्पण की वीडियो है उसका लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर हमारे अन्य वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे दोस्तों लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। तो सार संग्रह अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का हम देखेंगे, तो जो पहला सार संग्रह के बारे में चर्चा करते हैं वह है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2019 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। तो हाल ही में दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो शीर्ष पर रहा है वह जापान और सिंगापुर, ये दो देश रहे हैं, संयुक्त रूप से रहे हैं। दोनों के देश हैं वो कितने देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। आगे देखते हैं अपने भारत देश है उसका स्थान कौन सा रहा है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान जो रहा है वह 86वां स्थान रहा है। तो 86वां स्थान इसका राइट आंसर हो गया। अगली जानकारी देखते हैं, जापान व सिंगापुर के पासपोर्ट धारक कितने देशों की यात्रा बिना वीजा के कर सकते हैं। तो ये दोस्तों टोटल 189 देशों की यात्रा है यह बिना वीजा के कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत के पासपोर्ट धारक कितने देशों की यात्रा बिना वीजा के कर सकते हैं। तो जापान और सिंगापुर के 189 देशों के यात्रा कर सकते हैं, वहीं भारत का देश है यह 58 देशों में बिना वीजा की यात्रा कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट जो है यह भारत को नाटो देश जैसा दर्जा देने संबंधी विधायी प्रावधान किस देश की संसद में पारित हुआ है। तो ये दोस्तों अमेरिका की संसद में पारित हुआ है। नेक्स्ट है, इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद अमेरिका भारत के साथ नाटो से कौन से सहयोगी देशों की तर्ज पर समझौते करेगा। तो ये दोस्तों इजराइल व दक्षिण कोरिया के समान सहयोगी देशों के रूप में तर्ज पर हमसे समझौता करेगा। नेक्स्ट है, डोनाल्ड ट्रंप व किम जोंग उन की ऐतिहासिक तीसरी वार्ता जून 2019 में कहां पर आयोजित हुई थी। तो ये दोस्तों ऐसे क्षेत्र में आयोजित हुई थी, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, इससे पूर्व दोनों के मध्य वार्ताएं कहां पर आयोजित की गई थी। तो इससे पहले की जो दो वार्ताएं हुई थी वह दोस्तों पहली सिंगापुर में हुई थी, दूसरी हनोई वियतनाम में इसकी वार्ता का आयोजन किया गया था। अगली जानकारी देखते हैं, अगली है दोस्तों हाल ही में किस देश ने ब्रह्मांड का नक्शा बनाने के लिए टेलीस्कोप लॉन्च किया है। तो ब्रह्मांड का नक्शा बनाने के लिए रूस ने हाल ही में टेलीस्कोप को लॉन्च किया है, तो रूस इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में रूस ने ब्रह्मांड का नक्शा बनाने के लिए टेलीस्कोप लॉन्च किया है, तो उनकी अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है या किस एजेंसी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो ये दोस्तों रूस की एजेंसी, अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम रोसकॉस्मोस है, रोसकॉस्मोस के द्वारा टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रूस द्वारा जारी टेलीस्कोप का जो मुख्य उद्देश्य है वह मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वह मुख्य उद्देश्य दोस्तों डार्क मैटर, डार्क एनर्जी की जांच करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा यह टेलीस्कोप कहाँ से लॉन्च किया गया। तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा दोस्तों ये कजाकिस्तान के बाइकोनूर से लॉन्च किया गया, ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश यूरेनियम से तय सीमा से अधिक संवर्धन कर रहा है। तो हाल ही में दोस्तों ईरान है वह यूरेनियम की तय सीमा से अधिक संवर्धन कर रहा है। नेक्स्ट है, ईरान तय सीमा से अधिक यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है, इसकी पुष्टि कौन सी संस्था ने की है। तो इसकी पुष्टि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के द्वारा की गई है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया।
नेक्स्ट दोस्त देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व बैंक ने पाकिस्तान को कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों पाकिस्तान के लिए 722 मिलियन डॉलर का ऋण हाल ही में स्वीकृत किया है। अगली जानकारी है, भारत ने हाल ही में जून 2019 में किस देश के साथ एंटी टैंक मिसाइल खरीदने का सौदा किया है? तो भारत ने दोस्तों हाल ही में जून 2019 में रूस के साथ एंटी टैंक मिसाइल खरीदने का सौदा किया है या समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए जुलाई 2019 में किस देश में जलवायु आपातकाल लागू किया गया? तो ये दोस्तों पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस है जहां पर जलवायु आपातकाल को लागू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, वह स्थान कौन सा है जहां पर 2015 में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों वह भी पेरिस में ही किया गया था, तो पेरिस इसका राइट आंसर हो गया। अगली जानकारी देखते हैं, क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए सर्वप्रथम किस देश में जलवायु आपातकाल लागू किया गया था? तो सर्वप्रथम दोस्तों ये आपातकाल, जलवायु आपातकाल है, वे ब्रिटेन में आयोजित किया गया था, तभी पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए दूसरा देश कौन सा है जिसने जलवायु आपातकाल लागू किया? तो दूसरे देश का नाम है आयरलैंड, तो आयरलैंड दूसरा और पहला ब्रिटेन है। अगली जानकारी देखते हैं, हाल ही में किस देश के स्पेस प्रोब ने दूरस्थ उल्कापिंड के नमूने एकत्र किए हैं? तो किस देश के स्पेस प्रोब ने किए हैं? तो ये जापान देश की जो स्पेस प्रोब है उसने दूरस्थ उल्कापिंड के नमूने एकत्र किए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जापान के स्पेस प्रोब का क्या नाम है जिसने दूरस्थ उल्कापिंड के नमूने एकत्रित किए हैं? तो ये स्पेस प्रोब है जिसका नाम दोस्तों है हायाबुसा 2, तो हायाबुसा 2 है, ये इसका राइट आंसर हो गया। अगली जानकारी देखते हैं, तो है, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है जिसके स्पेस प्रोब ने दूरस्थ उल्कापिंड के नमूने एकत्र किए हैं? तो उस एजेंसी का दोस्तों जो नाम है वह है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी इसका सही नाम हो गया। नेक्स्ट जो जानकारी है, उस उल्कापिंड का क्या नाम है जिसकी भीतरी सतह के नमूने जापानी स्पेस प्रोब ने एकत्र किए हैं? तो वह उल्कापिंड है उसका नाम दोस्तों है रयुगु, तो रयुगु उल्कापिंड है जिसकी भीतरी सतह के नमूने जापानी स्पेस प्रोब ने हाल ही में एकत्रित किए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अमेरिका ने हाल ही में किस अलगाववादी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये दोस्तों किया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नामक जो अलगाववादी संगठन है बलूचिस्तान का, भारत जो पाकिस्तान के अंदर एक राज्य पड़ता है बलूचिस्तान, उसका संगठन है अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसे अमेरिका ने हाल ही में आतंकवादी संगठन घोषित किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, अमेरिका ने हाल ही में हिजबुल्लाह ऑपरेटिव को नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया, उसका क्या नाम है? उसका नाम दोस्तों हुसैन अली हजिमा इसका सही नाम है। अगली जानकारी है, हाल ही में जुलाई 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो ये दोस्तों इबोलो को किया है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें, आपको बहुत बेहतर जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट है, इबोलो विषाणु से होने वाला संक्रामक रोग है, इस रोग का प्राकृतिक वाहक किसे माना जा रहा है? तो इस रोग का जो प्राकृतिक वाहक माना जा रहा है वह दोस्तों चमगादड़ को माना जा रहा है, जिसे फ्रूट बेट या चमगादड़ कहते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रीलंका को किस देश ने युद्धपोत P-625 उपहार स्वरूप प्रदान किया है? तो चीन ने दोस्तों श्रीलंका को हाल ही में युद्धपोत P-625 गिफ्ट के रूप में प्रदान किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, कुपोषण तथा भूखमरी पर किस संस्था ने अपनी रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की है? तो कुपोषण तथा भूखमरी पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट वो है प्रस्तुत की है। अब चर्चा करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय प्रदेश के बारे में। ऊपर हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश के बारे में चर्चा कर ली, अब राष्ट्रीय प्रदेश के सार संग्रह के बारे में सितंबर माह के चर्चा करेंगे। तो ये जानकारी देखते हैं, हाल ही में चंद्रयान 2 को किस देश ने लॉन्च किया है? तो चंद्रयान 2 को दोस्तों हाल ही में भारत ने लॉन्च किया है, इसरो ने लॉन्च किया है। चंद्रयान 2 को किस तिथि को लॉन्च किया गया? तो ये दोस्तों 22 जुलाई 2019 को 2:43 पर लॉन्च किया गया, 2:43 PM पर इसको लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 को भारत ने, इसरो ने लॉन्च किया। तो ये कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये दोस्तों हरिकोटा स्थित
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 का जो रॉकेट है, लॉन्चिंग रॉकेट है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम दोस्तों GSLV MK3 और M1 इसका जो नाम है, रॉकेट का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रयान 2 का दोस्तों वजन कितना था। तो चंद्रयान 2 का जो वजन था वह 3872 किलोग्राम उसका वजन था। चंद्रयान 2 के प्रमुख हिस्से कौन कौन से थे? तो इसके प्रमुख 3 हिस्से थे जिनके नाम थे दोस्तों ऑर्बिटर, लैंडर जिसे विक्रम भी कहते हैं, था रोवर जिसे प्रज्ञान भी नाम दिया गया। तो ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर इसके प्रमुख हिस्से थे। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रयान 2 के चंद्रमा पर उतरते ही ऐसा करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो ऐसा करने वाला जो विश्व का भारत है वह चौथा देश ही बन गया है। इससे पहले दोस्तों सोवियत संघ, रूस, फिर अमेरिका, फिर चाइना, ये 3 देश ऐसा पहले कर चुके हैं, तब भारत चंद्रयान 2 चंद्रमा पर उतारने वाला चौथा देश ही बन गया है। अगला देखते हैं हाल ही में कर्नाटक के चौथी बार मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है? तो कर्नाटक का चौथी बार जो मुख्यमंत्री बने हैं वह BS येदियुरप्पा बने हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से CM बने हैं। नेक्स्ट है BS येदियुरप्पा को शपथ किसने दिलवाई? तो इनको शपथ दोस्तों वजुभाई वाला, जो वहाँ के राज्यपाल हैं, उन्होंने इसको शपथ दिलवाई। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या कितनी बताई गई है? देश में बाघों की संख्या वह 2967 बाघ बताए गए हैं। दोस्तों जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है? तो सर्वाधिक 526 बाघ हैं वह मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। अगली जानकारी देखते हैं। अगली जानकारी है अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों रिपोर्ट भी 29 जुलाई को जारी की गई थी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस है वह भी 29 जुलाई को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 2014 में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या कितनी थी? तो 2014 में जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसके अनुसार दोस्तों जो बाघों की संख्या थी वह 2226 थी, और अभी दोस्तों कितनी हो गई है? अभी 2967 हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटेन की इंटरनेट मार्केट रिसर्च और डेटा एनालिस्ट फर्म के अनुसार विश्व की सबसे पसंदीदा भारतीय कौन है? तो विश्व के जो फेवरेट इंडियन है उनका नाम है प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है ब्रिटेन की इंटरनेट मार्केट रिसर्च और डेटा एनालिस्ट फर्म के अनुसार विश्व के सबसे पसंदीदा व्यक्ति कौन है? तो भारत के तो नरेंद्र मोदी हैं, और विश्व की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, तो वर्ल्ड में दोस्तों सबसे जो फेवरेट पर्सन है वह है बिल गेट्स। तो बिल गेट्स इसके राइट आंसर हो गया। अगली जानकारी देखते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में रहा है वह दोस्तों रहा है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड इसका सही उत्तर हो गया। अगली जानकारी है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में भारत दोस्तों किस स्थान पर रहा है? तो भारत ये 52वें स्थान पर रहा है। तो भारत का स्थान दोस्तों कौन सा रहा है? 52वां स्थान रहा है। अगली जानकारी देखते हैं, यह है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 को पहली बार किस देश ने लॉन्च किया? तो ये दोस्तों पहली बार भारत ने ही लॉन्च किया है। नेक्स्ट है भारत की ओर से किसने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 को जारी किया? तो भारत की ओर से दोस्तों ये पीयूष गोयल ने जारी किया है, जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग व वर्तमान में रेल मंत्री हैं, जिन्होंने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 से जारी किया है। ये पहली बार भारत ने जारी किया था। इसमें पहले स्थान पर दोस्तों कौन सा देश रहा वो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है देश के सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना दिबांग बहुउद्देश्य परियोजना को किस राज्य के लिए मंजूरी दी गई है? तो दिबांग बहुउद्देश्य परियोजना को दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है दिबांग बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई जाएगी? तो ये जो परियोजना बनाई जाएगी ये दोस्तों दिबांग नदी पर बनाई जाएगी। दिबांग नदी लोअर दिबांग घाटी में स्थित है, जहाँ पर यह बनाई जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज में पहले स्थान पर कौन है, शीर्ष स्थान पर कौन है? तो सर्वाधिक कमाई करने वाले जो सेलिब्रिटी हैं उनका नाम है दोस्तों टेलर स्विफ्ट, जो $185 मिलियन की कमाई करते हैं। तो फोर्ब्स द्वारा जारी जो सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी हैं उनमें एकमात्र भारतीय शामिल हैं, जिनका क्या नाम है? तो एकमात्र भारतीय है, उनका नाम अक्षय कुमार है, जो $65 मिलियन कमाई कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अब हिंदी समेत कितनी अन्य भाषाओं में उपलब्ध रहेंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय होंगे दोस्तों तो वह
हिंदी समेत टोटल 6 भाषाओं में उपलब्ध रहेंगे। असमी भाषा में, मराठी भाषा में, कन्नड़, तेलुगु और उड़िया और हिंदी टोटल 6 भाषाओं में उपलब्ध रहेंगे। अगली जानकारी है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पहले सिर्फ किस भाषा में उपलब्ध होते थे? तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय थे वह पहले सिर्फ दोस्तों अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध होते थे। अगली जानकारी देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने किस भारतीय सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी को पाकिस्तान द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा पर रोक लगाई है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भारत के जो नौसेना अधिकारी हैं जिनका नाम कुलभूषण जाधव है, कुलभूषण की फांसी पर रोक लगाई है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह हेग नीदरलैंड में स्थित है। अगली जानकारी देखते हैं, अब चर्चा करेंगे हम आर्थिक परिदृश्य के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्य हमने चर्चा कर लिया, अब आर्थिक परिदृश्य का जो सार संग्रह है वह हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें वीडियो में, आगे हम महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। तो यह है, केंद्रीय बजट 2019-20 किसने संसद में प्रस्तुत किया? तो केंद्रीय बजट जो प्रस्तुत किया वह दोस्तों 5 जुलाई को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया। तो निर्मला सीतारमण इसका राइट आंसर हो गया। तो केंद्रीय बजट जो प्रस्तुत किया गया वह दोस्तों 5 जुलाई 2019 को प्रस्तुत किया गया। अगली जानकारी है, देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है जिन्होंने बजट पेश किया? तो देश की जो पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है उनका नाम है दोस्तों निर्मला सीतारमण है। इससे पहले इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद के साथ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल चुकी हैं। तो पहली वित्त मंत्री पूछी जाए तो पहली वित्त मंत्री दोस्तों इंदिरा गांधी थी, और पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री पूछी जाए तो पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट है, बजट 2019-20 में सर्वाधिक व्यय किस मद में दिखाया गया है? तो सर्वाधिक जो खर्चा व्यय दिखाया गया है वह रक्षा क्षेत्र में दिखाया गया है, जो कितना दिखाया गया है, 3,01,694 करोड़ रुपए दिखाया गया है। अगली जानकारी देखते हैं दोस्तों, आर्थिक समीक्षा 2018-19 को निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो ये दोस्तों इसे आर्थिक समीक्षा 4 जुलाई 2019 को प्रस्तुत की गई, तब बजट 5 जुलाई को पेश किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्लोबल प्राइम ऑफिस ऑक्यूपेंसी कॉस्ट एवं कॉस्ट सर्वे के अनुसार विश्व का सबसे महंगा कार्यस्थल किसे घोषित किया गया है? तो विश्व का जो सबसे महंगा कार्यस्थल घोषित किया गया है वह दोस्तों हांगकांग सेनेटरी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को घोषित किया गया है। तो ये विश्व का सबसे महंगा कार्यस्थल है। अगली जानकारी है, ग्लोबल प्राइम ऑफिस ऑक्यूपेंसी कॉस्ट सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा जो कार्यस्थल है वह कौन सा है? तो भारत का जो सबसे महंगा कार्यस्थल वह कनॉट पैलेस दिल्ली है। नेक्स्ट है, ग्लोबल प्राइम ऑफिस ऑक्यूपेंसी कॉस्ट सर्वे जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो ये जो रिपोर्ट जारी करती है उस संस्था का नाम दोस्तों CBRE संस्था का नाम है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। तो अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों पुरस्कार और सम्मान के सार संग्रह के बारे में। तो इसमें हाल ही में जो पुरस्कार एवं सम्मान दिए गए हैं उनके सार संग्रह हम चर्चा करते हैं। तो ये देखते हैं दोस्तों कि जो गांधी मंडेला शांति पुरस्कार 2019 दिया गया है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो गांधी मंडेला शांति पुरस्कार है ये कब दिया गया? तो ये दोस्तों 11 जुलाई 2019 को दिया गया। पुरस्कारों की श्रेणी कितनी थी? तो इसमें तीन श्रेणी के पुरस्कार शामिल थे, जिसमें दोस्तों चर्चा करें सामाजिक प्रभाव के लिए डॉक्टर अच्युता सामंता को दिया गया, जो संस्थापक हैं KIIT की ओर से कलिंगंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में संस्थापक हैं। अगले जो दिया गया वह पर्यावरण के लिए दिया गया, किसको? महेंद्र मोदी को। तो महेंद्र मोदी कौन है? तो ये दोस्तों वरिष्ठ IPS अधिकारी और उत्तर प्रदेश के DGP हैं महेंद्र मोदी, जिन्हें पर्यावरण के लिए पुरस्कार दिया गया, गांधी मंडेला शांति पुरस्कार दिया गया। तो तीसरा जो पुरस्कार दिया गया दोस्तों वह युवा सामाजिक परिवर्तन के लिए दिया गया, तो यह सबाना स्नेहा और सुमन को दिया गया, जो हापुड़ जिले के एक्शन इंडिया संस्था की सदस्य हैं या संस्थापक हैं, जिन्हें गांधी मंडेला शांति पुरस्कार दिया गया। अगला जो पुरस्कार है उसके बारे में देखते हैं दोस्तों, यह है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पुरस्कार 2018-19 दिया गया, इनके बारे में देखते हैं। इसकी घोषणा दोस्तों कब की गई? इसकी घोषणा 9 जुलाई 2019 को दिल्ली में की गई। तो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम दोस्तों सुनील छेत्री हैं। महिला जो फुटबॉलर हैं वह आशालता देवी हैं, जो मणिपुर से हैं। तो वर्ष की सर्वश्रेष्ठ जो उदयमान खिलाड़ी हैं वह दोस्तों पुरुष हैं अब्दुल सहल, जो केरल से हैं, और महिला में दोस्तों डेंग मेई ग्रेस हैं,
जो मणिपुर से हैं। अगली जानकारी देखते हैं, सुनील छेत्री ने यह किताब कौन सी बार जीता है, तो ये दोस्तों छठी बार ये किताब जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पाटा श्रवण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो हाल ही में दोस्तों पाटा श्रवण पुरस्कार है ये अतुल्य भारत अभियान को प्रस्तुत दिया गया है। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ एशियाई फिल्म का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म को मिला है, तो ये दोस्तों जो गली बॉय रणबीर सिंह की फिल्म आई थी गली बॉय, जिसे सर्वश्रेष्ठ एशियाई फिल्म का पुरस्कार मिला है। अगली जानकारी है, गली बॉय फिल्म का जो निर्देशन है डायरेक्शन है वह किसने किया था या डायरेक्टर कौन थे, तो डायरेक्टर थे दोस्तों जोया अख्तर इसकी डायरेक्टर थी। नेक्स्ट है, फिल्म गली बॉय किसके जीवन पर आधारित है, तो गली बॉय है यह दोस्तों मुंबई के जो स्ट्रीट रेपर्स विवियन फडणवीस हैं और नावेद शेख हैं उनके जीवन पर आधारित थी, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अगली जानकारी देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को ICC ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है, तो ये दोस्तों हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है सचिन तेंदुलकर को, मास्टर ब्लास्टर या क्रिकेट के भगवान कहें सचिन तेंदुलकर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। तो सचिन तेंदुलकर से पहले कितने भारतीय ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं, इनसे पहले दोस्तों टोटल 5 भारतीय इसमें शामिल हो चुके हैं, जिनमें बिशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर, कपिल देव, अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़ शामिल हैं। तो ये 5 भारतीय अभी छठे भारतीय हो गए हैं सचिन तेंदुलकर। अगली जानकारी दोस्तों देखते हैं खेल परिदृश्य के बारे में, तो अब खेल परिदृश्य का जो सार संग्रह है वह हम चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट है दोस्तों, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2019 किस देश ने जीता है, तो एक दिवसीय जो क्रिकेट विश्व कप है वह विजेता इंग्लैंड रही है, उपविजेता दोस्तों कौन सी टीम रही है, न्यूजीलैंड उपविजेता रही है। नेक्स्ट है, ICC वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल के विजेता का फैसला किस आधार पर किया गया, इसका फैसला जो किया गया वह दोस्तों सर्वाधिक बाउंड्रियों के आधार पर किया गया। तो आपने यदि मैच देखा हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था दोस्तों, तो आपको पता होगा कि पहले जो स्कोर था वह बराबर हो गया था, उसके बाद में सुपर ओवर हुआ और सुपर ओवर में भी दोनों टीमों का स्कोर बराबर रह गया, फिर जिस टीम ने अधिक बाउंड्री मारी उस टीम को विजेता घोषित किया गया और उसमें दोस्तों विजेता टीम रही यह इंग्लैंड रही। अगला जो देखते हैं, अगला है ICC वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन बने थे, तो मैन ऑफ द मैच बने थे बेन स्टोक्स, जो इंग्लैंड के बेन स्टोक्स मैन ऑफ द मैच बने थे। था ICC वर्ल्ड कप क्रिकेट 2019 में दोस्तों मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना, तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट केन विलियमसन, जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं वह बने थे। अगली जानकारी देखते हैं, अगली है विंबलडन टेनिस 2019 में पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने हैं, तो विंबलडन टेनिस 2019 में पुरुष वर्ग के विजेता नोवाक जोकोविच बने हैं, जो सर्बिया से हैं। तो इसके दोस्तों महिला वर्ग की जो विजेता बनी है उनका नाम है सिमोना हालेप, जो रोमानिया की खिलाड़ी हैं सिमोना हालेप, यह महिला वर्ग में विजेता बनी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यह है इंडोनेशिया ओपन 2019 की विजेता कौन बनी है, तो इंडोनेशिया ओपन हुआ था हाल ही में, उसकी जो विजेता है वह अकाने यामागुची, तो अकाने यामागुची उसकी विजेता बनी है जो जापान से हैं। तो इंडोनेशिया ओपन 2019 के जो उपविजेता बनी है वह भारतीय PV संधु हैं, जो उपविजेता बनी है। अगली जानकारी देखते हैं दोस्तों, अगली जानकारी है डिंग एक्सप्रेस के नाम से कौन जानी जाती हैं, तो डिंग एक्सप्रेस के नाम से दोस्तों हिमा दास जानी जाती है, डिंग उनका गांव का नाम है इसलिए उन्हें डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो हिमा दास ने दोस्तों जुलाई 2019 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, उसने टोटल 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। हिमा दास ने दोस्तों जुलाई 2019 में किन देशों में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो ये पोलैंड और चेक गणराज्य में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगली जानकारी देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2019 में पुरुष वर्ग के विजेता कौन सा देश बना है, तो पुरुष वर्ग का जो विजेता देश बना है वह बना दोस्तों भारत। तो राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2019 में पुरुष वर्ग की जो उपविजेता टीम बनी है वह इंग्लैंड है, वह उपविजेता रही है, तो भारत इसका विजेता देश रहा है। अगली जानकारी देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2019 में महिला वर्ग के विजेता कौन सा देश बना है, तो महिला वर्ग में भी दोस्तों भारत रहा है और महिला वर्ग में भी जो उपविजेता रहा है वह इंग्लैंड रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अगली जानकारी देखते हैं, राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का यह कौन सा संस्करण था, तो यह दोस्तों 21वां संस्करण था। इसका दोस्तों जो आयोजन वहां कहां पर किया गया था, तो इसका आयोजन वह जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम
कटक में किया गया था, कटक उड़ीसा में पड़ता है, तो कटक उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था। अब देखते हैं महत्वपूर्ण जो नियुक्तियाँ हुई है हाल ही में, उन नियुक्तियों का सार संग्रह हमें चर्चा करते हैं। तो नियुक्तियों के सार संग्रह के बारे में देखें तो ये है दोस्तों, संसद की सबसे अहम मानी जाने वाली लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो सबसे अहम मानी जाने वाली जो लोक लेखा समिति है उसका अध्यक्ष दोस्तों अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया, जो कांग्रेस के नेता हैं लोकसभा में, उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें दोस्तों कुल 15 लोकसभा के सदस्य व 7 राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। अगली जानकारी देखते हैं, देश के नए गृह सचिव कौन बनाए गए हैं, तो देश के जो नए गृह सचिव बनाए गए हैं उनका नाम दोस्तों अजय कुमार बल्ला, जो होम सेक्रेटरी वर्तमान में बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो लालजी टंडन को दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है। अगली जानकारी है, पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल कौन बना है, तो पश्चिम बंगाल के जो नए राज्यपाल बने हैं उनका नाम है, जो सीनियर एडवोकेट भी हैं, जगदीप धनखड़। नेक्स्ट है, बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो फागु चौहान है, ये बिहार के नए राज्यपाल बने हैं। गुजरात के नए राज्यपाल आचार्य देवव्रत को बनाया गया है, आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल बने हैं। वहीं दोस्तों बीएसएनएल के चेयरमैन की बात करें तो बीएसएनएल का जो नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है वह दोस्तों प्रवीण कुमार पुरवार को बीएसएनएल का नया चेयरमैन घोषित किया गया है या नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री दोस्तों हाल ही में कौन बने हैं, तो ये बने हैं बोरिस जॉनसन है, ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगली जानकारी देखते हैं दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक किसे बनाया गया, कौन बने हैं, तो भारतीय जो तटरक्षक बल है उसके के नटराजन को दोस्तों महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगली जानकारी देखते हैं, ऑपरेशन और अभियान, तो महत्वपूर्ण जो ऑपरेशन है उनमें देखें तो केंद्रीय जल शक्ति जो मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं उन्होंने हाल ही में जल संरक्षण अभियान 1 जुलाई 2019 से शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है, इस अभियान का नाम भी दोस्तों जल शक्ति अभियान है। इस अभियान की थीम क्या है, तो इस अभियान की जो थीम है वह संचय जल बेहतर कल, ये इस अभियान की थीम निर्धारित की गई है। अगला है दोस्तों, गरुड़ 6 किन दो देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो गरुड़ 6 है ये भारत और फ्रांस की सेना के मध्य का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया गया, इसका आयोजन है यह फ्रांस में किया गया था। अगली जानकारी है, विविध के बारे में देखते हैं या अन्य जो जानकारियां बच गई हैं वो देखते हैं, तो HD कुमार स्वामी की सरकार गिरने के बाद BS येदियुरप्पा ने किस राज्य के 31वें मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली है, तो ये दोस्तों कर्नाटक राज्य के 31वें मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ ली है। अगली जानकारी है, गुलाबी नगर जयपुर को 6 जुलाई 2019 को दोस्तों यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल करने पर भारत में विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी होगी, तो ये दोस्तों 38 इसकी संख्या हो गई। नेक्स्ट है, किसकी अध्यक्षता में गठित अंतर मंत्रालय समिति की जुलाई 2019 में प्रस्तुत सिफारिश के अनुसार भारत में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग पर प्रतिबंध लगना चाहिए, तो ये सुभाष चंद्र गर्ग के अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस देश में आयोजित 23वें प्रेसिडेंट कप में भारतीय महिला मुक्केबाज मेरी कॉम ने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये दोस्तों इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था 23वां प्रेसिडेंट कप, उसमें गोल्ड मेडल मेरी कॉम ने जीता है। अगली जानकारी है, शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहायान किस देश के विदेश मंत्री हैं, जो कि दोस्तों जुलाई 2019 में भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर थे, तो ये दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट है, किस देश की महिला क्रिकेटर एलिस पेरी ने अंतर्राष्ट्रीय T20 में 1000 रन बनाने के साथ 100 विकेट लेने वाली पहली क्रिकेटर बन गई हैं, तो ये दोस्तों जो एलिस पेरी हैं ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, देश के नए वित्त सचिव किसे बनाया गया है, तो देश के नए जो वित्त सचिव हैं वह राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। वहीं बात करें दोस्तों सुप्रसिद्ध भारतीय सेंट आर्टिस्ट जिन्हें हाल ही में अमेरिका के प्रतिष्ठित सेंट स्कल्पटीज फेस्टिवल 2019 में पीपुल्स चॉइस अवार्ड मिला है, तो ये पीपुल्स चॉइस अवार्ड दोस्तों सुदर्शन पटनायक को मिला है। अगली जानकारी देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 3रे संस्करण का आयोजन 18 से 30 जनवरी 2020 को कहां पर किया गया, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन ये गुवाहाटी में किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, 26 जुलाई 2019 को
भारत ने कारगिल विजय की कौन सी वर्षगांठ बनाई? तो भारत ने कारगिल विजय की दोस्तों 20वीं वर्षगांठ मनाई थी। तो 20वीं वर्षगांठ इसका राइट आंसर हो गया। अगली जानकारी है दोस्तों, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी भारतीय कंपनी पहले स्थान पर या शीर्ष पर है? तो वे कंपनी का नाम है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट दोस्तों, प्रेसिडेंट्स कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय का क्या नाम है? तो स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम है शिवा थापा है, जो एक मुक्केबाज है। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम दोस्तों शीला दीक्षित है, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जो दोस्तों 1998 से लेकर 2013 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली की एक पूर्व मुख्यमंत्री का और निधन हो गया है, जो सुषमा स्वराज है जिनका नाम। नेक्स्ट है, रेलवे परिसरों व रेलगाड़ी में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन थ्रस्ट इसको शुरू किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, वैश्विक स्वास्थ्य सेवा शिखर सम्मेलन का आयोजन जुलाई 2019 में कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों जुलाई में हैदराबाद में किया गया था। नोवा सार्क फिल्म महोत्सव 2019 का आयोजन दोस्तों कहां पर किया गया? तो नौवें जो सार्क फिल्म महोत्सव है उसका आयोजन कोलंबो श्रीलंका में किया गया था। तो ये दोस्तों हमने जो सितंबर माह का जो संपूर्ण सार संग्रह है वो हमने पूरा चर्चा कर लिया। आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में अधिक से शेयर जरूर कर दें, जिससे सभी तक ये वीडियो पहुंच पाए। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकन घंटे का निशान है उस घंटे के निशान को भी आप जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले प्रतियोगिता दर्पण की जितने भी वीडियो हैं सभी की जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।